पहले तो ये जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना हुई है और बहुत शर्मनाक घटना भी है। और पुलिस की जहाँ तक सवाल है, जो बताया जा रहा है कि 3 दिन या 2 दिन पहले से ये लोग लापता कर दिए गए थे, इसकी सूचना अरोला थाने के इंचार्ज को दी गई, डांट कर भगा दी गई। गुमसुम भी समझौता लिखे थे, अगर वो इंटरेस्ट लिए होते तो शायद ये घटना न घटती। इस घटना से सब लोग, ये घटना नहीं होती वो बच जाते हैं लोग, लेकिन इसमें लापरवाही अरोला इंचार्ज की हुई है। और हम लोगों ने कप्तान साहब से बात किया, कप्तान साहब ने कहा अरोला इंचार्ज खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है हम कार्रवाई करेंगे। अगर इस मामले में, अगर जहाँ तक एसडीएम साहब ने भी यहाँ भी कहा है कि जमीनी विवाद था इन लोगों में, और एसडीएम साहब ने कहा कि हम उसकी प्रतिपूर्ति 2-3 दिन में अगर ये शिकायत करते करते, अगर इसमें कुछ भी हीला हवाली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो रही तो इसमें आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, ऐसा है जो एसडीएम ने कहा, देखिए जौनपुर का जमीन का कोई विवाद नहीं था। जमीन आज के 4-5 साल पहले रजिस्ट्री हो गई थी, जमीन दाखिल खारिज हो गई थी। जमीन थोड़ा कीमती थी, जब लिखाए थे उस समय दाम कुछ और था, इस समय दाम ज्यादा हो गया है, इसलिए वो लोग जमीन के लिए परेशान थे, जमीन हमारी वापस कर दी जाए। और कोई भी व्यक्ति जब जमीन ईमानदारी से खरीदता है, पैसा देकर रजिस्ट्री कराता है, तो वापस नहीं करता है। इन परिस्थितियों में उन लोगों ने इस गरीब लोगों के साथ, और ये मौर्य बिरादरी के हैं, ये लोग सीधे साधे होते हैं, इसलिए जो घटना किया उन लोगों ने, ये सोच समझ के किया कि न रहेंगे न जमीन जाएगी, जमीन हमको फिर मिल जाएगी। तो लेकिन जमीन उनको नहीं मिल पाएगी। अभी एसडीएम से बात हुई है, एसडीएम साहब ने भी कहा है, कप्तान साहब भी ने कहा, हम लोग सरकार को लिखेंगे, जो आर्थिक अनुदान होता है उसको भी दिलाया जाएगा मुख्यमंत्री कोष का, और साथ साथ जमीन का जो कागजात है, जो इनके नाम से, जो मृतक के नाम से है, उनके बेटे के नाम 2-3 दिन 4 दिन में उनके नाम वरासत हो जाएगी। देखिए, अभी हमारे साथ रमाकांत यादव जो कि यहाँ के फूलपुर विधानसभा के विधायक हैं, और अभी उनसे हमारी इस मसले पर जो यहाँ पर डबल मर्डर केस हुआ है इस पर एक सीधी बात हुई है कि आखिर इसमें जो भी कार्रवाई प्रशासनिक तौर पर होगी, किस तरीके की कार्रवाई होगी, इनका क्या रोल रहेगा, इन्होंने दृष्टिकोण दृष्टिगत हमसे इस बारे में बात की।